स्वागत है इंडिया न्यूज पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। आपको सुपर फास्ट खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं गुजरात से। गुजरात के राजकोट में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में जबरदस्त आग लग गई। आग में झुलसकर 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे हैं। भीषण आग के बाद पूरा गेम जोन कॉम्प्लेक्स जो था वो जल गया। पूरा गेम जोन कोलैप्स हो गया भीषण आग के बाद। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं राजकोट का, गुजरात के ये पूरा मामला। टीआरपी गेम जोन जिसमें जबरदस्त आग लग गई और 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। चंद सेकंड में गेम जोन कैसे डेथ जोन बन गया, ये तस्वीरें आपके सामने। कई बच्चे भी हैं मरने वालों में, चूंकि जाहिर है गेम जोन है तो बच्चे यहां पर पहुंचे हुए थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। और तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये पूरा हादसा। भीषण आग यहाँ पर लग गई, विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने में, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। राजकोट हादसे के बाद एक्शन में गुजरात सरकार आ गई है। टीआरपी गेम जोन का संचालक और मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। गेम जोन के संस्थापक और मालिक समेत 3 की गिरफ्तारी की गई है। राज्य के सभी अवैध गेम जोन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। टीआरपी गेम जोन संचालक और मालिक की गिरफ्तारी कर ली गई है। सरकार ने हादसे की SIT जाँच के भी आदेश दिए हैं। SIT ने राजकोट हादसे की जाँच शुरू कर दी है। टीआरपी गेम जोन के संचालक और मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से ये गेम जोन संचालित किया जा रहा था, और इस तरह के जितने भी गेम जोन है प्रदेश में उन सब की लिस्ट भी अब तैयार किए जाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन सवाल यही कि आखिर हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन जागा? क्या हादसे का इंतजार ही किया जा रहा था? इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, सवाल ये भी है। संचालक और मालिक की गिरफ्तारी कर ली गई है इस पूरे मामले में। राजकोट हादसे पर एक्शन में सरकार है। घटना की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। मुआवजे का भी ऐलान किया है राज्य सरकार ने। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार रुपए देगी सरकार। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल। चंद सेकंड में सब कुछ तहस नहस हो गया। गेम जोन के भीतर जो लोग मौजूद थे वो जिंदा जल गए, जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। सोचिए जब आग लगी होगी तो किस तरह से चीख पुकार मच गई होगी। छोटे बच्चे भी थे इस गेम जोन में जिस दौरान आग लगी। राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान राज्य सरकार का। राजकोट हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया। राजकोट की घटना से बेहद व्यथित पीएम मोदी ने लिखा, मृतकों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की ओर से पोस्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दुख व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि राजकोट की घटना से बेहद व्यथित हूँ, मृतकों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। सरकार की ओर से एक्शन के नाम पर SIT का गठन किया गया है इस पूरे मामले में। SIT इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर कैसे आग लगी, क्या वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं था, आग पर काबू पाने के जो उपकरण हैं क्या वो वहां पर मौजूद नहीं थे, आग लगी कैसे, क्या लापरवाही से जुड़ा यह पूरा मामला रहा, क्या नॉर्म्स जो होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था। इन सभी सवालों का जवाब पता लगाने में SIT की टीम जुट गई है। गेम जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ सरकार की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, साथ ही साथ घायलों के लिए 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद सरकार देगी। सवाल कई सारे हैं और एक
सबक लेने की भी जरूरत है। आप भी अपने बच्चों को गेम जोन में लेकर जाते हैं, जांचना बहुत जरूरी है किसी भी गेम जोन में जाने से पहले कि वहां पर सभी उपकरण किसी भी इस तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौजूद हैं या फिर नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं उस गेम जोन की तरफ से या फिर नहीं। गुजरात के राजकोट से ये मामला सामने आया, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, दमकल कर्मी पहुंचे, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कई लोग घायल भी इस हादसे में हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप सोचिए आंकड़ा मरने वालों का कितना बड़ा है, 27 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, इसमें बच्चे भी हैं, कई बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स मौजूद थे, कुछ के माता पिता भी बताए जा रहे हैं दोनों जिनकी मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में। गुजरात के राजकोट में ये हादसा देखने को मिला जहां पर गेम जोन में आग जबरदस्त लग गई, काला धुआं आग के बाद उठता हुआ ऊपर की ओर आपको तस्वीरों में नजर आएगा और इस धुएं को देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भीषण रही, कितनी दर्दनाक ये पूरी घटना।